सो हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम है गौरव। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, आज मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, या फिर जो लोग पहले से नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तो ही आपको पता लगने वाले हैं कि आपको कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है और उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, उसको आप किस तरीके से टैकल कर सकते हो, आज मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग स्किल के ऊपर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, लीड जनरेशन के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। आप जाकर वो सारे वीडियोस को गो थ्रू जरूर करना, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है। सो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो और अगर आप फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को स्टार्ट किया है। मैं आपको कांग्रेचुलेट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आपने आज के समय में अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट किया ना तो आपने बिल्कुल सही टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को स्टार्ट किया है क्योंकि अब से नेटवर्क मार्केटिंग का जो है ना गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए मैंने आपको कांग्रेचुलेशन कहा। ओके, सो अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को स्टार्ट कर ही लिया है तो अब आप ये भी जान लो कि आपको कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग या फिर आपके अपलाइन भी इसके बारे में नहीं बताते होंगे, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो अभी जो चीजें मैं बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो डायरी पेन ले लो, ठीक है, और सारे को नोट जरूर बनाना जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं कि कौन कौन से आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला जो आपको प्रॉब्लम आने वाला है कि लोग ना आपको निगेटिव करेंगे, पीपल विल निगेटिव यू। हो सकता है आपको नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव करे, हो सकता है आपको आपके कंपनी जिस कंपनी में आपने ज्वाइन करा है उस कंपनी को लेकर आपको नेगेटिव करे, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना तो लोग जो है ना नेगेटिव करते हैं, ठीक है। अब ये लोग ना कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स हो सकता है आपके रिलेटिव्स हो सकता है कि आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपको नेगेटिव करेगा। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, कभी भी आपको उन लोगों की बातों में नहीं आना, ठीक है। अगर कोई लोग आपको नेगेटिव कर रहा है तो आप उन लोगों से बिल्कुल भी दूर हो जाओ, ठीक है, क्योंकि अगर कोई पर्सन अगर आपको नेगेटिव कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो आपका भला नहीं चाहता, वो आपका सगा नहीं है। मेरा तो एक सिंपल सा लाइन होता है यार, देखो जिसके जैसा बनना नहीं उसकी कभी सुनना नहीं, ठीक है। तो अगर आपको उन लोगों के जैसा नहीं बनना है तो आप उनकी क्यों सुनना, आप कभी भी उन लोगों की मत सुनना जिसके जैसा आपको नहीं बनना है, ठीक है। आप हमेशा अपनी सुनो, अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही तो स्टार्ट किया होगा ना, ठीक है। आपके पास खुद का दिमाग तो है कि सही सही क्या है गलत क्या है, तो फिर आप दूसरे लोगों को बातों में क्यों आना। आप कभी भी दूसरे लोगों को बातों में मत आना, कभी भी निगेटिव मत होना, लोग आपको निगेटिव करेंगे क्योंकि वो लोग आपका भला नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि आप आगे सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि जो आपका भला चाहेगा ना या फिर जो आपका सगा होगा वो हमेशा आपको मोटिवेट करेगा लाइफ में कुछ करने के लिए, वो डिमोटिवेट नहीं करेगा ना ही आपको वो निगेटिव करेगा, वो हमेशा आपको मोटिवेट करेगा कि भाई तू कर ये बहुत अच्छा काम है, निगेटिव तो नहीं करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको ऐसे लोगों से दूर हो जाना है जो आपको निगेटिव करता है, ठीक है, ऐसे लोग आपके लिए बिल्कुल खतरनाक है, ठीक है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो आपका फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, बिल्कुल भी दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, वो आपको कभी भी ना सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। ओके, आई होप मेरी बात आपको ये चीज समझ आ गया होगा कि आपको नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। सो हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर टू की। देखो प्रॉब्लम नंबर जो टू है कि पीपल विल रिजेक्ट यू। देखो जब आप लोगों को ना बिजनेस समझाने जाओगे ना तो लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको नो बोलेंगे, लोग आपको नॉट इंटरेस्टेड बोलेंगे कि नहीं मेरे को बिजनेस ज्वाइन नहीं करना, ठीक है, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना, लोग ज्वाइन नहीं करेंगे आपके साथ। अगर कोई लोग नो बोल रहे हैं तो देखो नो क्या है, नो एक बैड फीलिंग है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप एक चीज और हमेशा याद रखना, अगर कोई आपको मना करेगा इस बिजनेस में, ठीक है, अगर कोई आपको रिजेक्ट करेगा तो आप हमेशा याद रखना कि लोग हमेशा आपके प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं ना कि आपको रिजेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर लोग ये सोच लेते हैं कि लोगों ने तो मेरे को मना कर दिया, ठीक है, आपको मना नहीं करते, आपके प्रपोजल को मना करते हैं। कभी भी रिजेक्शन को ना आप पर्सनली मत लेना, आपको बहुत दुख होगा। मेरी बात समझ आ रही है? पता है मैं रिजेक्शन को क्या बोलता हूँ, रिजेक्शन इज द इंजेक्शन ऑफ सक्सेस। समझ आया? अगर आपको रिजेक्शन आ रही है तो ये आपके सक्सेस के लिए इंजेक्शन है, ठीक है। आप इंजेक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं, आप इंजेक्शन ले लेना, क्योंकि आज जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हैं उन सारे लोगों को रिजेक्शन मिली है, आपको भी रिजेक्शन मिलेगी, इसके लिए आप रेडी रहना, ठीक है। मैं एकदम 100% बोल रहा हूँ आपको रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा रिजेक्शन ही मिलेगा,
रिजेक्शन के बाद ना एक चीज आती है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस भी आएगा, लोग आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अगर अभी रिजेक्शन मिल रही है तो आपको आगे भी रिजेक्शन ही मिलने वाला है, नहीं, आपको एक्सेप्टेंस भी मिलेगा, 100% मिलेगा। बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस कॉलिंग करते रहना है, लोगों को बिजनेस दिखाते रहना है। कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करेगा, डेफिनेटली, जो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत दूर तक लेकर जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा कि लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, बट आपको क्या करना है, रिजेक्शन से आप प्यार कर लो, रिजेक्शन को आप एक्सेप्ट करना सीख लो, आपको कभी भी दुख नहीं होगा, ठीक है। रिजेक्शन आपको हमेशा आएगा, चाहे आपको किसी भी लेवल पे चले जाओ, टॉप लेवल पे चले जाओगे ना तो भी आपको रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए रेडी रहो। सो अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। देखो प्रॉब्लम नंबर जो 3 है वो है सेल्फ डाउट। होता क्या, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ जाते हैं, जब हम ज्वाइन कर लेते हैं ना, उसके बाद भी हमें ना सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है कि क्या मैंने सही किया नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके, क्या मैंने ये कंपनी को ज्वाइन करके सही किया। ऐसा आएगा फीलिंग आपको, आपको लगेगा कि आपने कोई गलती तो नहीं करी नेटवर्क मार्केटिंग में आके। और पता है ये कब होता है, जब आप काम करते हो, जब आपको रिजल्ट नहीं आता ना, तो आपको ना सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है कि यार पता नहीं यार ये काम मेरे से होगा कि नहीं होगा, ठीक है, इतने सारे लोग कामयाब तो हो चुके हैं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, आपको सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाएगा, ये 100% बता रहा हूं। हो सकता है आपको अभी भी सेल्फ डाउट आ रहा हो, आपको मैं बताऊं, अगर आपको सेल्फ डाउट आ रहा है ना, ये कॉमन सी चीज है, ये नेचुरल है, ठीक है, सबको आता है ये, बट ये ना ये टेम्पोररी चीजें हैं, सेल्फ डाउट जो है ये टेम्पोररी चीजें हैं, ये परमानेंट नहीं है। बट होता क्या है, ज्यादातर लोग ना जब सेल्फ डाउट आते हैं ना तो परमानेंट डिसीजन ले लेते हैं कि मेरे को ये बिजनेस नहीं करना। आप ऐसा गलती मत करना, अगर आपको सेल्फ डाउट आएगा तो आपको कभी भी बिजनेस को नहीं छोड़ना, नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सेल्फ डाउट टेम्पोररी होता है, ठीक है, लेकिन टेम्पोररी चीजों को देखकर आपको कभी भी परमानेंट डिसीजन नहीं बनाना, आप हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर आप बार बार सेल्फ डाउट करोगे ना तो आपको मैं बता रहा हूँ आप कभी भी ना सक्सेस नहीं कर पाओगे और ना ही आप सही ढंग से एक्शन ले पाओगे, क्योंकि यार देखो सेल्फ डाउट ना मैं बताऊँ सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपको बार बार सेल्फ डाउट आ रहा है ना तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे, ठीक है। इसीलिए अपने ऊपर सेल्फ डाउट कभी भी मत करना कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आप क्यों नहीं कर पाओगे मेरे भाई, आज यहाँ पे जितने भी लोग सक्सेसफुल है नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर आपके कंपनी में, क्या वो लोग दूसरे ग्रह से आए हैं क्या? नहीं ना, वो भी पृथ्वी से ही है, आप भी पृथ्वी में जन्म लिए हो, तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? सिस्टम तो सबके लिए सेम है, कंपनी सबके लिए सेम है, तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिलीव इन योर सेल्फ कि आप भी कामयाब जरूर हो गए अपने कंपनी में, ठीक है, 100% हो गए, अपने ऊपर बिलीव करो, ठीक है, और अपने काम करते जाओ, 100% आप कामयाब हो गए, ठीक है। सेल्फ डाउट आए तो आप समझना ये टेम्पोररी है, वो परमानेंट नहीं है, बट परमानेंट डिसीजन कभी भी मत बनाना। अगर कोई सेल्फ डाउट आता है, ठीक है, तो कभी भी परमानेंट डिसीजन मत बनाना, ठीक है। सो हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। देखो प्रॉब्लम नंबर जो 4 है वो है डिस्ट्रैक्शन। होता है क्या, जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं ना तो ज्यादातर लोग ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपको भी ये प्रॉब्लम आएगा, हो सकता है आपको भी कभी लगेगा कि यार मैं ना कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाता हूँ अर्निंग करने के लिए। होता है क्या, देखो जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना तो ज्यादातर लोगों का ना पहले या दूसरे महीने पे आउट नहीं बनता, ठीक है, ज्यादातर लोगों का नहीं बनता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, 5-10% लोग जिनका पहले महीना पे आउट तो बन जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का पहले महीना पे आउट नहीं बनता है। तो यहाँ पे होता क्या है, ऐसे लोग जिसका पे आउट नहीं बनता ना वो ना डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं। हो सकता है आप भी डिस्ट्रैक्ट हो, बट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। डिस्ट्रैक्ट होकर पता उन्हें क्या लगता है कि यार मैं ना एफिलिएट मार्केटिंग कर लेता हूँ, ठीक है, मैं क्रिप्टो में चला जाता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट कर लेता हूँ, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है अर्निंग करने के, उन्हें लगता है मैं वहां चला जाऊँ। हो सकता है आपको भी कभी ये फील आए कि ना मैं एफिलिएट में चला जाता हूँ, वहां तो यार बहुत अच्छी अर्निंग होती है, डेली की अर्निंग होती है, मैं वहां पे चला जाऊँ। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे ना तो आप कभी भी सक्सेस नहीं कर पाओगे। आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अगर आपको इनकम आज नहीं आ रही, ऐसा नहीं है कि आपको आगे भी नहीं आएगा, 100% आएगा। बस आपको अपना मैक्स एफर्ट डालना है, मैक्सिमम एफर्ट डालना है अपने काम में, डेली बेसिस पे 100% आपको रिजल्ट आएगा और आपको पैसा भी आएगा। ये सत्य है, आप ये फैक्ट जान लेना कि ज्यादातर लोगों को पहले या दूसरे महीने पे आउट नहीं बनता, बट उसके बाद बनता है, डेफिनेटली बनता है, ठीक है। सो आई होप अभी तक मैंने आपको जितने भी प्रॉब्लम्स बताए हैं जो आपको आने वाली है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, राइट। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। देखो आपको जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आने वाली है ना, जो हमारा 5th नंबर प्रॉब्लम है, वो ये है कि लोग ना आपके ऊपर हंसेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको पागल बोलेंगे, ठीक है, ऐसा होगा। देखो एक चीज बताऊं, अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, लोग अगर आपके ऊपर आपको आपका मजाक बना रहे हैं ना, तो मैं आपको एक सिंपल सा लाइन बोलता हूँ कि जिस पर लोगों ने हंसा है ना, इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा है। अगर आज आपके ऊपर लोग हंस रहे हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सोचना कि आप इतिहास रचने वाले हो, ठीक है। आज जितने भी लोग सक्सेस की राह पर चले हैं ना, तो लोगों ने उसका मजाक बनाया है, लोग उसके ऊपर हंसे हैं, यार आपके ऊपर भी हंस रहे हैं तो क्या दिक्कत है, हंसने दो ना। आप समझो कि अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, लोग अगर आपका मजाक बना रहे हैं, लोग अगर आपको पागल बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। जब हम कुछ अलग करते हैं ना तो लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, लोग हमें गलत गलत बातें बोलते हैं, ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस एक चीज याद रखना कि जितने भी लोग सक्सेस की राह पे चले हैं ना, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया है,
ठीक है, लोग उसके ऊपर हंसे हैं, लोगों ने उन लोगों को पागल बोला है जितने भी लोग सक्सेस की राह पे चले हैं। अगर आज आपको आपके ऊपर भी लोग हंस रहे हैं, लोग आपको भी पागल बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो और आप सक्सेस भी होने वाले हो। ठीक है, पता है जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, जब आप अच्छा खासा पैसा बनाने लगोगे, वही लोग जो आपके ऊपर हंस रहे हैं अभी या फिर जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग आपके पास आएंगे और बोलेंगे यार मेरे को पता था कि तू जरूर कुछ करेगा, समझ आया? तो लोग ऐसा बोलेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उन लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, कि जो लोग आपके ऊपर हंस रहे थे ना, ठीक है, आज उसी हंसी की वजह से आप कामयाब हो गए। ठीक है, तो उन लोगों को ना एक बहुत बड़े सा तमाचा लगेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है जो आपको फेस करना पड़ेगा वो है लीड्स की प्रॉब्लम। लीड्स का मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, ये लोगों का बिजनेस है, हमें लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ता है, इसके लिए हमें लोगों की जरूरत है, राइट। अगर आपके पास लोग नहीं होंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप ऐसे समझो, अगर आपके पास लीड्स नहीं है ना, तो आप इसको ऐसे समझो कि आप बिना पानी का समुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आपके पास लीड्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको लीड्स का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि लीड्स का प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि लीड्स को कैसे जनरेट करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में ना प्लेलिस्ट मिल जाएगा लीड जनरेशन का, ठीक है, आप वहां जाके आप वीडियोस को देख सकते हो कि लीड को कैसे जनरेट किया जाता है। ठीक है, साथ में आपको क्या करना है, आपको अपनी अपलाइन से लीड्स लेना है। ठीक है, कि आप उनको बोलो कि आप मेरे को लीड्स प्रोवाइड करो, ठीक है, वो आपको लीड्स प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी समझ आया होगा कि लीड्स का प्रॉब्लम आपको आएगा ही आएगा। अगर आप चाहते हो कि ना हो तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर आपको अपने अपलाइन का सपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, सो लास्ट एक और प्रॉब्लम है जो आपको फेस करना पड़ेगा, वो है फैमिली की प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सबके साथ नहीं होती, कुछ लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उसके जो पेरेंट्स है ना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, उसके भाई बहन भी सपोर्ट नहीं करते नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस को करने के लिए, ज्वाइन करने के बाद भी सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, आप ज्वाइन तो कर लेते हो किसी ना किसी वजह से, बट उसके बाद क्या होता है कि आपके फैमिली ना आपको सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, आपको ताने देती है कि यार तू ज्वाइन कर ले बिना पूछे, है ना, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, आपको अगर फैमिली ऐसा बोल रही है तो आप एक क्या काम कर सकते हो, आप अपने फैमिली से अपने पेरेंट्स से ना एक टाइम ले लो कि पापा या मम्मी मेरे को 6 महीने का टाइम दे दो, अगर मैं कुछ नहीं कर पाई, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो आप जो बोलोगे सो मैं वो करूंगा। ठीक है, या फिर अगर आप चाहते हो कि उनके बात को आप ना गलत साबित कर दो, ये आप कैसे करोगे? अगर देखो, अगर आपके पेरेंट्स को लग रहा है कि आप गलत काम कर रहे हो, ठीक है, आपका आप सफल नहीं हो पाओगे, आपका कैरियर नहीं बनेगा ना, तो आप उनके बात को गलत साबित कर दो अपने मेहनत से। ठीक है, जब आप उनको गलत प्रूफ करोगे ना तो ऑटोमेटिक वो आपको सपोर्ट करने लगेंगे। या फिर दूसरी चीज, आप अर्निंग करके आप उनके हाथों में दो कि पापा या मम्मी ये मैंने पहले में इतना अर्न किया है, ये मैं आपको दे रहा हूँ खर्चे के लिए, घर के खर्चों के लिए। तो 100% आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है, 100% करेगी। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा आपको अपने पेरेंट्स को। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा ये पॉइंट भी। सो आई होप अभी मैंने आपको जो भी प्रॉब्लम्स बताए हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन कौन से आपको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं और उन सारे प्रॉब्लम्स को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से फेस करना है, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना और लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार आप वीडियो तो देख लेते हो बट लाइक नहीं करते, क्योंकि अगर आप देखो लाइक और कमेंट करते हो ना, तो इससे मेरे को ये पता लगता है कि कितने सारे लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने में। ठीक है, सो आपने ये तो सीख लिया, आपने ये तो समझ लिया कि आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है तो अगर आप ये चीज जानना चाहते हो कि लोग आपके साथ बिजनेस ज्वाइन क्यों नहीं करते, लोग आपके साथ बिलिंग क्यों नहीं करते, तो यहाँ पे आपको वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को अभी जाकर देखो और आपको ये पता लग जाएगा कि लोग आपके साथ बिजनेस क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। ठीक है, सो हम फिर मिलेंगे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।